Religion Outlook. अजोके समय नूं अक्सर ही कलयुग कहा जाता है ते इस कहे जांदे दे उपर साडा यकीन होर भी पक्का हो जाता जदों असी जगत दे विच वापर दियां घटनावां नूं वेखदे हां। उंज ते कलयुग नूं माड़ा ही कहा गया है, माड़ा ही मन्या जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 382वें अंग ते विराजमान बाणी दे विच गुरु अर्जन साहिब सानूं दसदे ने कि इस कलयुग दे समें नूं भी किवें मानना है, इहनूं मुबारक किवें करना है, इहनूं चंगा किवें बना लेना है। दो होर सवालों के उत्तर अज की बाणी दे विच्चों सानूं मिलने हन। उन्हां विच्चों एक है कि परमात्मा का सुभाव किहो जिहा है, ते दूसरा है कि सानू साढ़े दुख दर्द किहदे नाल वंडने चाहीदे ने। जेकर तुहानूं लगे कि इन्हां सवालों के जवाब मिल जाने तुहाडे जीवन दे विच कुछ भी चंगा लिया सकते ने, ते इस वीडियो नूं अगे भी जरूर पहुँचा दिओ। ते हुण आपां शुरुआत करते हाँ अज की बाणी की व्याख्या की। आसा महला पंजवां, बंधन काट बिसारे औगुन, अपना बिरध समारिया होए किरपाल, मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया। बिरध तो भाव हुंदा है मुढ़ कदीमा दा सुभा। जो इंसान गुरु की शरण दे विच चला जाए, परमात्मा उसदे माया दे बंधन कट दिंदा है, उहदे औगुणा नूं भुला देंदा है। अपना मुढ़ कदीमा दा सुभा चेते रखता है, अपना बिरध समारिया माफ कर देण वाला, गलतियां सुधारण दे विच सहायता करन वाला सुभा है उस परमात्मा दा, उस प्रभु दा। ते गुरु साहब कहिंदे ने कि परमात्मा अपने उस सुभा नूं संभाल के रखता है, अपना बिरध समारिया चेते रखता है उस सुभा नूं जो गुरु की शरण के आता है। वो बंधन भी कट दिता है, तो वो औगुणा भी भुला दिता है। होए किरपाल मात पित न्याई, न्याई तो भाव वांगू परमात्मा माँ प्यो वांग दयावान हुंदा है। बारक ज्यों प्रतपारिया, तो बच्चों वांग जीवां पालता है, क्योंकि आखिरकार इस संसार के सारे ही जीव उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। गुरसिख राखे गुर गोपाल, काढ लिए महाभव चलते, अपनी नदर निहाल रहाओ। हे भाई, गुरु की शरण पैण वाले वडभागी सिखां नूं सब तो वड्डा जगत पालक प्रभु रख लैंदा है, विकारां तो बचा लैंदा है। अपनी मेहर की नज़र दे नाल तक के वड्डे संसार समुंदर दे विच्चों उन्हां नूं कढ लैंदा है। जाकै सिमरन जमते छुटिया, हलत पलत सुख पाइया, सास गिरास जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाइया। जिस परमात्मा दे सिमरन दी बरकत दे नाल जमा तो आत्मक मौत तो खलासी पाई दी है। जाकै सिमरन जमते छुटिया, हलत पलत सुख पाइया, लोक परलोक दे विच सुख माणी दा है। सास गिरास जपो जप रसना, हरेक साह दे नाल हरेक गिराई दे नाल उस परमात्मा दा नाम अपनी जीव दे नाल जपिया करो। नीत नीत गुण गाइए, आओ हर रोज़ सदा ही उहदी सिफत सलाह दे गीत गाते रहिए। भगत प्रेम परम पद पाया, साध संग दुख नाठे, छिजै ना जाए किछ भौ ना व्यापे, हर धन निर्मल गाठे। परमात्मा दे नाल प्रेम दे सदके जो परमात्मा दे भगत जन हन, वह परम पद सब तो उच्ची आत्मक अवस्था हासिल कर लेंदे ने। वह साध संगत दे विच जुड़दे ने ते उन्हां दे दुख नठ जांदे ने। साध संगत दे विच जुड़ के वह हर धन इकट्ठा करदे ने, परमात्मा दे नाम सिमरन रूपी धन इकट्ठा करदे ने। हर धन निर्मल गाठे, ते ये धन अजिहा है जो छिजै ना जाए किछ भौ ना व्यापे। ये धन कदे कमजोर नहीं हुंदा, ते इस धन नूं किसे चोर आदिक दा डर भी नहीं व्यापदा। अंतकाल प्रभ भए सहाई, इत उत राखन हारे, प्राण मीत हीत धन मेरा, नानक सद बलहारे। ये भाई,
प्रभु जी गुरसिखां दे अंत समय भी मददगार बनते हैं। अंत समय जो होर सब साथ छड जांदे ने, सारे जीव सारियां वस्तां जीव दा साथ छड जांदियां ने, उस अंत वेले परमात्मा मददगार बनते हैं, इस लोक विच वी ते परलोक विच वी साडी रख्या करते हैं। अंतकाल प्रभ भय सहाई इत उतराखण हारे। हे नानक आख, मैं परमात्मा तो सदा कुर्बान जांदा हाँ, उसका नाम ही मेरे पास ऐसा धन है जो मेरी जिंद दा हेतु ते मेरा मित्र है। असा महला पंजमा, जा तू साहेब ता पाओ केहा, हौ तुत बिन किस सालाही, एक तू ता सब किश है, मैं तुत बिन दूजा नाही। हे प्रभु, जे तू मालक मेरे सिर उत्ते अपना हाथ रखी रखे तो मैनू माया जहर तो कोई डर खतरा नहीं हो सकता। जा तू साहिब ता पाओ केहा, जब तू साडे नाल है परमात्मा जी, सानू कहो जिहा डर, ते मैं तुहाडे तो बिना किसी होर की शलाघा नहीं करता। हो तुत बिन किस सलाही, एक तू ता सब किश है, जे तू मेरे नाल है तो मेरे को सारा कुछ ही है, तुत बिन दूजा नहीं। मेरे वास्ते तुहाडे तो बिना तुहाडे वर्गा जां तुहाडे बराबर का कोई दूजा नहीं जो मेरा सहाई बन सकता होवे। बाबा बिख देखिया संसार, रखिया करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार रहाओ। हे प्रभु, मैं वेख लिया है कि संसार का मोह जहर है, ये जहर साडे आत्मक जीवन नू मार मुकांदा है। हे मेरे खसम प्रभु, इस जहर तो मैनू बचाई रख, तेरा नाम मेरी जिंदगी का आसरा बनया रहे, ये अरदास है मेरी तेरे अगे। जाना बिरथा सभा मन की, होर किस पह आख सुनाइए, बिन नाम है सब जग बोराया, नाम मिला सुख पाइए। बिरथा तो भाव पीड़ा, परमात्मा सारिया के मन की पीड़ा नू समझदा है, जानदा है। जाना बिरथा सभा मन की, होर किस पह आख सुनाइए। गुरु जी कहिंदे होर किहदे कोल अपना दुख दर्द दसीए, परमात्मा तो बिना होर किसी कोल भी अपना दुख दर्द दसना व्यर्थ है। बिन नाम है सब जग बोराया, परमात्मा दे नाम तो खुंज के सारा जगत झल्ला होया फिरता है। नाम मिला सुख पाइए, परमात्मा दा नाम जेकर प्राप्त हो जाए तो आत्मक आनंद माणीदा है, सुख पाईदा है। क्या कहिए किस आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास। गुरु जी कहिंदे कि असी अपने मन का दुख दर्द की ही तो दसीए ते किनू ही दसीए। क्या कहिए किस आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास। जे दुख दर्द दसना अपने दिल का भेत खोलना तो परमात्मा दे अगे खोलीए, अपने मन की पीड़ा परमात्मा नू आख सुनाइए। सब किश कीता तेरा वरता, सदा सदा तेरी आस, जगत दे विच जो कुछ भी हो रहा है हे प्रभु तेरा कीता ही हो रहा है। सानू जीवां नू सदा तेरी सहायता दी ही आस रहती है। जेते वडियाई तां तेरी वडियाई, इत उत तुझे त्याओ, नानक के प्रभ सदा सुख दाते, मैं तान तेरा इक नाओ। हे प्रभु, जे तू मैनू कोई माण वडियाई बख्शदा है तो इस नाल तेरी ही शोभा खिलरदी है, क्योंकि मैं तो इस लोक ते परलोक विच सदा ही तेरा ध्यान धरदा हाँ। जे परमात्मा किसी नू चंगे गुण बख्शदा है तो उन्नू वेख के लोग भी यही कहिंदे ने कि परमात्मा ने इनू किन्ने सोहने गुण बख्शे, परमात्मा दी ही शोभा खिलरदी है। हे नानक दे प्रभु, सदा सुख देने वाले प्रभु, नानक के प्रभ सदा सुख दाते, मैं तान तेरा एक नाओ। गुरु जी कहते कि तेरा नाम ही मेरे वास्ते सहारा है, तेरा नाम ही मेरी ताकत है। आसा महला पंजमा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, ए महारस जन पियो, जन्म जन्म चूके भय पारे, दुरत बिरासियो परम बियो। दुरत तो भाव पाप, बियो तो भाव दूजा। हे ठाकुर, हे मालक, तेरा नाम आत्मक जीवन देन वाला जल है,
अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर। एहो महारस जना पियो, इस श्रेष्ठ रस तेरे किसे दास ने ही पीता है, ते जिसने पी लिया उदे जन्म जन्मांतरां दे डर ते विकारां दे पार मुक गए, उदे अंदरों पाप दा भी नाश हो गया ते दूजी भटकना भी दूर हो गई। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। हे सतगुरु, तेरा दर्शन करके मेरे अंदर आत्मक जीवन पैदा हो जाता है, तेरे वचन सुन के मेरा मन मेरा तन ठंडा ठार हो जाता है। तुमरी कृपा ते भयो साध संग, एक काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे, सहजे बिखिया पई कियो। हे प्रभु, तेरी मेहर नाल मैनू गुरु दी संगत हासिल हुई, ये सोहना काम तू आप ही कीता है। मैं गुरु दी संगत नहीं लभी, तुसी मैनू गुरु दी संगत दे विच लैके गए। जे मैं गुरु दी संगत दे विच जुड़िया तां इहदा क्रैडिट मैनू नहीं तुहानू जांदा है, ये सोहना काम मेरे परमात्मा जी तुसी आप कीता है। तुमरी कृपा ते भयो साध संग, एक आज तुम आप कियो। गुरु दी सिख्या दे नाल हे परमात्मा मैं तेरे चरण घुट के फड़ ले, मैं आत्मक अडोलता दे विच टिक गया ते मेरे अंदरों माया दा जहर खत्म हो गया, माया दा जोर खत्म हो गया। सुख निधान नाम प्रभ तुमरा, ए अविनाशी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। हे सुखां दे खजाने प्रभु, कदे भी ना नास होण वाला तेरा नाम मंत्र मैं जपना शुरू कर दिता। तेरा ए नाम मंत्र मेहर करके मैनू सतगुरु ने दिता, ते इस मंत्र दी बरकत दे नाल मेरे अंदरों हरेक किस्म दा दुख कलेश ते वैर विरोध दूर हो गया। तन सुमानस दे ही पाई, चित प्रभ अपना मेल लियो, तन सु कलयुग साध संग, कीर्तन गाइय नानक नाम आधार हीओ। ये नानक आख मैनू भागा वाला मनुखा शरीर मिलिया, जिस दी बरकत नाल प्रभु ने मैनू अपने चरणा दे विच जोड़ लिया। लोग कलयुग नू निंददे ने, पर एक कलयुग भी मुबारक है। तन सु कलयुग साध संग कीर्तन गाइए, जे गुरु दी संगत दे विच टिक के परमात्मा दा कीर्तन कीता जावे ते कलयुग भी मुबारक है, कलयुग भी चंगा हो जाता है। परमात्मा दे नाम दा आसरा जे साडे हिरदे विच बनिया रहे, परमात्मा दे गुण अपने हिरदे दे विच असी गांदे रहिए, परमात्मा दी सिफत सलाह करते रहिए, ते कलयुग भी साडे लई मुबारक हो जाता है। सो इस दे नाल ही अज दी वीडियो दी समाप्ति करते हैं जी। उम्मीद करते हाँ कि जो सवाल शुरुआत दे विच तुहाडे लई पाए गए उन्हां दे उत्तर तुहानूं मिल गए होणगे, ते उन्हां दे उत्तर तुहाडे जीवन दे विच सहाई भी होणगे। ये जान लेना कि परमात्मा अपना सुभाअ कदे भी नहीं भुलदा, ते उह सुभाअ दयालु है, प्रतपालक है। साडे जीवन दे विच सानूं एक बहुत वड्डी आस दिंदा है। परमात्मा नूं साडे जीवन दा सहारा बनाउण दे विच इह सिख्या बहुत सहायक सिद्ध हुंदी है। कलयुग कलयुग करके अजोके समय नूं निंदण दी बजाए परमात्मा दी सिफत सलाह अपने हिरदे दे विच करिए, ते साडे लई इह कलयुग भी चंगा ही चंगा है। आओ परमात्मा दे अगे अरदास करिए कि सानू साध संगत बख्शे, अपना नाम साडे हिरदयां दे विच वसाई रखे। इत्थे ही फतेह कबूल करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।